हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ हिना अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आजकल देखें, इतनी बैड न्यूज़ सुनने को मिल रही है। जो मली में सानिया हो रहा है, इंसिडेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा सिवियर है, बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस है ये। क्योंकि हम लोग भी अभी थोड़े दिनों पहले ही मली से होकर आए हैं, लेकिन तब भी हमारी जो कंडीशन थी ना, वो कोई अच्छी नहीं थी। पाँव बहुत गीले, फैट, ठंड, और हमें तकरीबन 1 हफ्ता हो गया आए हुए, और अभी तक हमारी ऐसी कंडीशन, ऐसे लग रहा है कि पाँव अभी तक ना फ्रीज हुए हुए अंदर। तो आप लोगों से भी यही है, मैं आपको कहना चाहूंगी थोड़ा सा मैं इस वीडियो में, कि आप काइंडली प्लीज जो है ना, इतने ज्यादा ठंड वाले मौसम में ना जाएं, और जाएं तो प्रिकॉशंस के साथ जाएं। अव्वल तो ये स्नो फॉलिंग वगैरह में ना अपनी जान से प्यारे और बच्चों से प्यारे कुछ नहीं है। तो प्लीज थोड़ा सा आप केयर करें इस चीज के लिए। वैसे ओपन मौसम होते हैं, उसमें आप जाएं, ओपन सीजन में एंजॉय करके आए। विजिट करने से, ट्रैवल करने से मैं आपको नहीं रोक रही, तो आप जरूर ट्रैवल करें, लेकिन प्लीज थोड़ी प्रिकॉशंस के साथ और थोड़ा सीजन वगैरह को देखने के बाद। सो आज की जो है ना वीडियो में, अच्छा जी, तो मैं आज की वीडियो में मैं आपको ना सौंफ के बारे में बताना चाहती हूँ कि सौंफ क्या पानी पीने से, इवन कि हम सौंफ पहले औरतें ये कहती थी, जो पहली दादी अम्मा वगैरह टाइप है, तो वो कहते थे बच्चे का पेट खराब हो जाए, बच्चे को गैस हो जाए, तो बेशक माँ ही अपने दांत में सौंफ लेके मुंह में थोड़ा सा करके च्यू करके उसको, तो बच्चे के मुंह में डाल दे उसको पीस के, तो बच्चे का पेट वगैरह जो है ना वो ठीक हो जाता है। लेकिन शायद हम, मैंने तो ऐसे नहीं किया, लेकिन शायद पहले लोग करते होंगे, लेकिन ये टोटके जो थे ना, वो आजमूदा थे, इनके फायदे भी थे। सो आज जो है ना, मैं आपको सौंफ के बारे में बताना चाह रही हूँ कि सौंफ का अगर हम पानी पीते हैं, वैसे हम खाना खाने के बाद भी थोड़ी सौंफ ले सकते हैं, लेकिन आज मैं जो है ना सब सौंफ के कहवे के बारे में बताना चाहूंगी, कि सौंफ का कहवा जो है ना बहुत जबरदस्त है। इससे आपका वेट रिड्यूस भी होता है। वेट रिड्यूस इस सेंस में हो सकता है, इससे हम ये नहीं कहेंगे हमारी कैलोरीज रिड्यूस हो गई, जो पानी बॉडी में एक्स्ट्रा पानी आ जाता है ना, ब्लोटिंग होती है, फेस बॉडी जो है पफी हो रहा होता है, एक्स्ट्रा जो है ना पानी होता है ब्लड बॉडी में, सॉरी। तो ये सौंफ के पानी पीने से ना आपका एक्स्ट्रा वाटर जो है ना, वो ना आपका थ्रू यूरन और इस तरह जो है ना, खुद बहुत इंसान आप खुद फील करेंगे, थोड़ा सा आपके ना बेशक वेट ना रिड्यूस हो रहा हो, लेकिन ये कि थोड़ा सा लीन होना आप शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपकी ये कब्ज के लिए बहुत अच्छा है। आप सुबह उठ के निहार मुंह जैसे गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी पीने पी लें, या उसकी जगह ये सौंफ का पानी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, सौंफ का कहवा जो है किस तरह बनाना है, तो आप ये पी लें, तो ये आपके लिए अमेजिंग होगा। खुद ब खुद आप एक दफा में जब पियेंगे ना, तो आपको खुद फील होगा ये कब्ज दूर होता है, कॉन्स्टिपेशन जो है कम्प्लीटली दूर हो जाती है, और जो कॉन्स्टिपेशन खत्म होगी, तो हमारा खुद ब खुद जो है ना स्टमक जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, और हमें थोड़ा सा हाली हाली अच्छा फील होगा, यानी कि हम लाइटर फील करेंगे। इससे जो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे करते हैं कि हमारे पेट में जगह ही नहीं कुछ खाने की, हम बहुत ज़्यादा ओवर फील करें, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो उस सूरत में कि खाने के बाद भी ले सकते हैं, और ये गैस के लिए बहुत अच्छा है। अगर पेट में गैस हो जाए, तो हम इसको ईजीली, इसका जब कावा वावा पीते हैं, तो हमें गैस से बहुत अच्छी तरह से ना निजात मिल जाती है। अच्छा, तो ये मैं आपको कह रही थी कि ये जो है ना हमारे स्टमक के लिए बहुत लाइटर आप फील करेंगे, इवन कि इसकी स्मेल इतनी ज़बरदस्त होती है कि हम इसको जब यूज़ में लेते हैं ना, तो हमारी स्मेल जो है ना, कुछ लोगों की सांस की स्मेल को भी प्रॉब्लम होती है, वो कहवा पिए या इस सौंफ को थोड़ा सा लेके मुंह में चबा के खाएंगे ना, तो उनकी स्मेल की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी। सो लेट्स गो टू द वीडियो। वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि मैंने किस तरह ये कहवा बनाया है, और किस तरह इसको मैं मजे मजे से पीऊंगी उसके बाद। तो देखिए, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके ओके जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ जी, तो मैंने जो है ना सॉस पैन में तकरीबन 2 छोटे कप कह लें या 1 बड़े मग के बराबर जो है ना इसमें पानी डाला है, और 1 टेबल स्पून सौंफ डाली है, और 2 जो है ना क्यूमिन सीड्स यानी कि दालचीनी के 2 मैंने पीस डाले हैं इसमें। तो इसको जी मैंने जो फ्लेम पे रख दी है, अगर हाई फ्लेम पे रखना चाहिए बॉयल आने से पहले तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी रख सकते हैं, एक बॉयल आ जाए तो इसको जो है ना थोड़ा सा पकाना है कि इसका अच्छा सा रंग निकलाए, और इसका अरोमा वगैरह सारा जो है ना इसके बीच में आ जाएगा। आप वो देखेंगे ऐसा ऐसा, मैं आपको वीडियो जो है ना थोड़ा सा रोक कर दिखा रही हूँ। ये देखें, अब बॉयल आ गया है, और देखें कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है, और उतने ही, जितने खूबसूरत इसका कलर है, उतने ही ज़बरदस्त इसके अमेजिंग जो है ना इसके रिजल्ट हैं, और इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो आप जब खुद पियेंगे तो आपको खुद फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा लाइटर फील कर रहे हैं, और यानी कि किसी भी तरह की ना पेट की किसी भी दर्द से, प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा अच्छा आपको निजात मिलेगी बहुत जल्द। और ये मैंने बन गया है, तो मैंने इसको कप में डाल दिया है, सो ये मेरा रेडी है। लेकिन मैं आपको जो है ना इसको चेंज करके दिखाऊंगी दूसरे कप में, क्रिस्टल के मग में आपको डाल के दिखाती हूँ, और देखेंगे किस तरह बना है।
ये देखिए इसका कलर जो है, मैं आपको इसलिए क्रिस्टल में डाला कि आपको ये कलर, इसका देखिए इसका कितना अमेजिंग सा कलर है। होप यू लाइक इट।